आज्ञा चक्र के ध्यान के लिए हम बच्चों को प्रेरित क्यों करना चाहते हैं? कौन सी सिद्धि देनी है बच्चों को हमने? कहा जाता है कि तेसरा नेत्र खुलते ही बहुत सारी घटनाएं जो प्रकृति की है उनका ज्ञान होना शुरू हो जाता है। बल्कि स्वप्न काल में नहीं, निद्रा काल में भी बहुत सारी घटनाएं जो एक हफ्ते बाद घटनी है, जहां जहां तक आपका ध्यान जा सकता है वो सारी चीजें आपको पता लगनी शुरू हो जाती हैं। 15 दिन बाद की, 1 महीने बाद की, देश की, देशांतरों की, जहां आपका ध्यान जा सकता है। जहां आपका ध्यान नहीं जा सकता, नहीं, उसके बारे में नहीं पता लगेगा आपको। आपका ध्यान जहां जा सकता है, क्योंकि सारी शक्तियां और सिद्धियां ध्यान की टॉर्च के हिसाब से चलती हैं। जहां ध्यान की टॉर्च गई वहीं दिखेगा, बाकी सब अंधेरा है। जब लाइट चली जाए दिखता कहां है? जहां टॉर्च जाती है। सब जगह नहीं दिख सकता, जहां टॉर्च डालोगे। और सिद्धियों का भी यही है, जहां ध्यान गया वहीं सिद्धि काम करेगी, बाकी अंधेरा है। बच्चों से क्या लेना देना है? ये विषय हमने क्यों लिया? क्या हमने यहां कुंडलिनी जागृत करनी? नहीं, ये बच्चों के लिए विषय इसलिए लिया क्योंकि आज्ञा चक्र की साधना करने से आज्ञा चक्र जागृत हो अथवा नहीं हो, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज आज्ञा चक्र पर जैसे ही साधना आरंभ होती है, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट कम्स आउट लाइक वॉल्केनो, भूकंप आ जाता है। जो व्यक्ति इस बात की बड़ी शिकायत करता है, जिसे कहते हैं ना अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, ADHD के नाम से, कि इसका ध्यान ही नहीं लगता, जैसे ही किताब खुलती है बस चारों तरफ दिमाग भागता है, इधर उधर इधर उधर इधर, एक जगह टिकता ही नहीं है। आज्ञा चक्र का ध्यान करने के बाद कुछ दिनों में ही, विद इन फ्यू डेज, इसके लिए वर्षों साधना की जरूरत नहीं है, ये बात मैं यहां लिख के दे सकता हूं। मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं लिख के दे सकता हूं मनी बैक गारंटी के साथ, कि आज्ञा चक्र का ध्यान करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन चमत्कारिक रूप से बढ़ना शुरू होती है। आप जिस समय जिस विषय पर होते हैं आपका मस्तिष्क जरा सा जाने की कोशिश करता, आप तुरंत कहते आ जा, वापस आ जाता है, इधर जाता आ जा, वापस आ जाता है। और आज्ञा चक्र के ध्यान से पहले, आज्ञा चक्र के ध्यान से पहले आपने इधर पढ़ना शुरू किया, दिमाग जा रहा है गया, आपके हाथ नहीं आएगा, फिर इधर गया, आप बस बाद में कोफ्त करते हो, मेरा माइंड नहीं कॉन्सेंट्रेट करता, मेरा दिमाग जगह टिकता नहीं है, कोफ्त करते हो, कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आज्ञा चक्र से द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विल डेवलप लाइक मैजिक। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम बहुत बड़ा है, जो बच्चों के साथ साथ उन बड़ों के लिए भी बहुत आवश्यक है जानना, जिनके जीवन में आए दिन बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं, आए दिन बहुत बड़े बड़े कार्य करने होते हैं। वो क्या? अपने निर्णय को जल्दी से लेके उस पर टिके रहना। आमतौर पे क्या होता है, कोई विषय आता है, निर्णय नहीं ले पाते, ये करूं कि नहीं करूं, ये छोड़ दूं कि नहीं, करें कि नहीं करें, सलाह कर लो, पूछ लो, लेकिन आज्ञा चक्र का ध्यान करने वाला साधक गलत होगा या ठीक ये तो बाद में देखेगा, बट एटलीस्ट ही विल बी वेरी फर्म इन टेकिंग डिसीजन, और निर्णय लेने के बाद उस पर टिकेगा, भागेगा नहीं। जरा सी असफलता को देख करके, विपरीतता को देख करके, प्रतिकूलता को देख करके मैदान छोड़ के भागेगा नहीं, टिका रहेगा। गलत निर्णय पर भी टिकेगा, किस लिए? कोई नहीं, मैं इसको अब ठीक करता हूं। अगर मोटे रूप से कहें तो आज्ञा चक्र का ध्यान, नाम क्या है? आज्ञा। आज्ञा माने ऑर्डर, आज्ञा माने ऑर्डर टू कमांड। वो अपने आप को कमांड करना शुरू करता है, गलत निर्णय पर भी खड़ा रहेगा, उसमें जीवट आ जाता है, जीवट, ऐसा वट वृक्ष अंदर भीतर पैदा हो जाता है, तो जीवित है, जीवट, और जीवटधारी बन जाता है, निर्णय लेता है, गलत भी हो गया तो भी ठीक करने के लिए टिकेगा, भागेगा नहीं, मुंह नहीं छुपाएगा, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएगा, इसकी गलती है, उसकी गलती नहीं, गलती किसी की भी हो, कम ऑन, इसको ठीक करते हैं, भागते नहीं है, ठीक करते हैं। ये आज्ञा चक्र के लाभ हैं। आज्ञा चक्र के माध्यम से नव संतति को सबसे बड़ी शक्ति हम यही दे सकते हैं कि पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए और भीतर जीवट आ जाए। जिस आदमी के पास एकाग्रता आ गई, जीवट बढ़ गया, बाकी सब तो वो स्वयं पालेगा, अपने आप पालेगा,
नहीं है तो कमबख्त यही नहीं है, हम अपना 100% एक समय पर कहीं इकट्ठा कर ही नहीं पाते, बिखरे हैं। और जब बिखरे हैं तो फिर हर निर्णय लुंज पुंज सा होता है, बिल्कुल गया गुजरा सा, ढीला ढाला, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। यही आज्ञा चक्र का सबसे बड़ा लाभ है। क्यों? क्योंकि यहां अर्धनारीश्वर की स्थापना है, क्योंकि यहां पॉजिटिव और नेगेटिव का मर्ज होता है, समर्जन है यहां पर, यहीं से शक्ति प्रचंड होती है। ज्यों ज्यों ध्यान भीतर यहां जाता है, क्योंकि आंखें बंद करके जब ध्यान कराया जाता है तो सिखाया क्यों नहीं गया ठीक से, इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं आंखें बंद करो और यहां सूर्य देखो, यहां प्रकाश की एक बॉल है, और आम आदमी आंखें बंद करता है यहां देखता है तो अंधेरा, सामने वाला कहता है बॉल है। अब वो अपनी जेब मिटाने के लिए उसको पूछो कैन यू सी लाइट, हाँ हाँ हाँ, अंदर से है ही नहीं, आंखें बंद करके है ही नहीं, वो तो डार्क है। और सामने वाला पूछता प्रकाश है ना, दर्शन हो रहे, हाँ, क्यों ना बोल दिया तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मेरे नंबर कट जाएंगे, और बस उसके बाद बात खत्म होती है, पता नहीं मेरे तो अंदर दिखता ही नहीं है, प्रकाश है ही नहीं। यही आके बात समाप्त होती है, झेप मिट नहीं पाती और आगे साधना बढ़ नहीं पाती। यहां कोई प्रकाश नहीं है भाई, तो फिर प्रकाश की कल्पना करनी, इमेजिनेशन। बहुत सारे बच्चे कार चलाना सीखने से पहले या स्कूटर चलाना सीखने से पहले जब उन्हें अनुमति नहीं होती कार या स्कूटर चलाने की तो क्या करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, कार में बैठ बैठे ऐसे हाथों में ऐसे चलाएंगे, स्कूटर को भी मोटर बाइक को भी ऐसे चलाएंगे। वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी कल्पनाओं में जाकर के उस अनुभव के अंतर्गत हो जा रहे हैं, सिमुलेशन हो रही है। और इतनी बार सिमुलेशन करते हैं कि जिस दिन उनके हाथ में गाड़ी आती है उस दिन चलाने में कठिनाई नहीं होती।